और कुछ ऐसे बड़े नेक्स्ट लेवल के चलें वो लफ्ज़ नहीं मैं अभी बोलता, लेकिन वो कुछ बोलते ही नहीं हैं, हैं, और शायद बेशर्मी से नहीं बोलते कि हम पहले 2-3 रुपए के इजाफे के ऊपर तो पूरा आसमान सर पे उठा लेते थे, अब 25-30 रुपए का इजाफा हुआ इसके ऊपर अब क्या कह सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादर का सलाम। मुल्की सियासी सूरतेहाल से कुछ ताज़ा तरीन और रिसेंट डेवलपमेंट है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की साइफर केस में जमानत का मामला अब खसूसी अदालत से निकल के इस्लामाबाद हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। दरख्वास्त भी दायर हो गई, उसको डायरी नंबर भी लग गया और अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट यह है कि बेंच भी तश्कील दे दिया गया है। यूं इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक पीर के रोज़ इसकी समाअत करने जा रहे हैं। तो उनके वकला क्या कर रहे हैं, बाकी कानूनी टीम क्या कर रही है, क्या प्रिपरेशन चल रही है, इसके बारे में कुछ देर में आपको अपडेट करूँगा। और अब से थोड़ी देर पहले परवेज़ इलाही 12वीं दफ़ा गिरफ्तार हुए हैं, मुसलसल 12वीं दफ़ा गिरफ्तारी। ये कानून की अमलदारी है, कानून की हुक्मरानी है या कानून का मजाक है? अब एक बड़ी तब्दीली होने जा रही है आज रात 12 बजे के बाद, यानी चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब कल से अपना चार्ज जो है वो संभाल लेंगे। तो क्या वो इसमें कोई तब्दीली करेंगे या इन मामलात का ख़ास तौर पर एक्शन लेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि उमर अता बंदयाल साहब अब जितना भी और लंबा चलते, मुझे उनसे अब कोई उम्मीद बाकी रही नहीं थी कि वो कानून की हुक्मरानी के लिए कुछ सॉलिड स्टैंड ले सकते हैं। लेकिन काजी फायज़ ईसा चूंकि अब नए चीफ जस्टिस आ रहे हैं, तो सबकी नज़रें उनकी तरफ कम से कम इस मामले में तो होंगी कि क्या वो कानून की हुक्मरानी के लिए कोई अपना मौसर किरदार अदा करेंगे, इस तरह की गिरफ्तारियों को या जबरी गिरफ्तारियों को रोकने के लिए कोई हिकमत अमली अपनाएंगे या नहीं, ये देखना होगा। और फिर बड़ी दिलचस्प किस्म की सूरतहाल डेवलप हुई है, पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान एक टग ऑफ वॉर जो है वो शुरू हुई है। अब पता नहीं ये पॉलिटिकल स्टंट है या इलेक्शन कैंपेन का कोई ट्रिक है, इसमें तो आप बेहतर बता सकते हैं, ज़रा कमेंट करके अपनी राय भी दीजिए। मामला अब ज़ुबानी हमलों से निकलकर प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक पहुंच चुका है और आज पहली बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें बाज़ाब्ता अटैक जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। यानी अभी तक तो खाली सेकंड थर्ड टीयर की लीडरशिप के ज़ुबानी हमले चल रहे थे ना, लेकिन अब प्रॉपर अटैक लॉन्च हुआ है। उसको देख के लग रहा है कि अब जो उनका एक गैर फितरी सा इत्तेहाद था जिसके बारे में सभी कह रहे थे कि ये ज़्यादा लंबा चल नहीं सकेगा, सिर्फ हुकूमत की वजह से ये सारे आपस में जुड़े हुए थे, और कल जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई उसकी जो अंदरूनी कहानी अब सामने आई है, उसमें भी अब अरागिन जो है वो हाथ लगा लगा कर देख रहे हैं कि हमारे साथ हुआ क्या है, और अब वो शिकवा कर रहे हैं अपनी क़यादत से। और क़यादत क्या कर रही है कि वो सिर्फ मुस्कुरा के उनको देख रही है और कह कुछ नहीं सकते। वो शिकवा ये कर रहे हैं कि अगर आप इनका साथ ना देते तो ये हुकूमत ना बना सकते, ना ये हुकूमत बनाते, ना ये आज हमारे गलों को आते, ना हमें लेवल प्लेइंग फील्ड के मामले पे कोई रुकावट होती। तो अभी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, इसके ऊपर भी डिटेल में बात करते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वक्त का बड़ा हॉट टॉपिक है उसके ऊपर पहले बात करनी है, एंड दैट इज़ पेट्रोल डीजल प्राइस हाइक। ये वैसे इस वक्त का ही हॉट टॉपिक नहीं है, ये पाकिस्तानी आवाम को हर 15 दिन के बाद फेस करना पड़ता है। पाकिस्तान में 15 दिन के बाद कीमतों में रद्दोबदल का ऐलान होता है, तो आवाम बेचारी महीने की पहली तारीख को भी भुगतती है और आखिरी तारीख को भी भुगतती है। पहले ज़रा दिल का गुबार शुबार निकाल के सेटल होने की कोशिश करते हैं कि चलो अब ज़रा कथारसिस हो गया, जितना गुस्सा निकालना था निकाल लिया, और एट दी एंड जब सेटल होने लगता है बंदा, फिर पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाती हैं। तो ये मुसलसल हो रहा है और अब ये सीन है कि कोई 2-3 रुपए वाली तो गेम रही नहीं है ना, जैसे पहले 2 रुपए समथिंग पैसे, 3 रुपए इतना, और अभी तो 25-30 रुपए का इजाफा तो ऐसा लगता है कि कोई बात ही नहीं है। मतलब ये ऐसा लगता है ऊँट के मुँह में ज़ीरा हैं, इतनी आसानी से इजाफा कर देते हैं ये सोचे समझे बगैर। आई अंडरस्टैंड कि मुल्की इकॉनमी की जो डिमांड है या इकोनॉमिक सिचुएशन की जो डिमांड है वो शायद ऐसी है कि ये इजाफे नागुजीर हैं, लेकिन इतनी आसानी से इजाफा कर देना कि मतलब आप कोई नैरेटिव भी नहीं बना रहे हैं, आवाम को बता भी नहीं रहे हैं, एतमाद में भी नहीं ले रहे हैं, कोई ऐसा लगता ही नहीं है कि आवाम कोई बड़ी स्टेक होल्डर के तौर पर आपके साथ है, ऐसा लग रहा है कि आवाम का कोई मसला ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, ये संभाल लेंगे। यार देख के सोच के ही दिल दहल जाता है कि एक गरीब आदमी, चलो एक तो सैलरीड क्लास बंदा है ना जिसकी कोई तनख्वाह आती है, एक तो उसके लिए भी मुश्किल हो गया, उसकी तनख्वाह का आधा हिस्सा रेंट में गया, आधा हिस्सा बिजली के बिल में गया, बाकी ग्रॉसरी में गया,
ये फ्यूल श्यूल तो ऐसा लग रहा है उसके लिए ये लग्जरी आइटम हो गया अब। ठीक है, निगरान हुकूमत है, इन्होंने वोट लेने के लिए आवाम के पास नहीं जाना, इन्होंने कैंपेन नहीं करनी, बट स्टिल कोई आवाम का एहसास तो करें, कोई और फार्मूला, कोई और, कोई इसके ऊपर कोई थिंक टैंक्स को बिठाएं, कुछ तो इसका सलूशन निकले। ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर इसी तरह हर 15 दिन के बाद ये 20-25 रुपये का इजाफा करना है तो साल डेढ़ साल बाद तो 1000 रुपये लीटर में पेट्रोल मिलेगा, तो ये आवाम कहाँ से अफोर्ड करेगी? ना सैलरी बढ़ रही है, चलो सैलरीड क्लास का तो हो गया ना कि चलो उनकी तो तनख्वाह आती है लगी बंदी जैसी भी है, लेकिन जिनकी तनख्वाह नहीं आती, जो सफ़ेद पोश तबका है, वो किस कर्ब से गुजर रहा है, किस दर्द से गुजर रहा है। मैं तो कल रात जब ये इजाफा हुआ तो एक लम्हे के लिए सोच के दिमाग बिल्कुल शल रह जाता है कि यार कैसे लोग गुजारा करते होंगे इतने मुश्किल हालात में, जब बिजली के बिल था हमें, लोग सड़कों पर थे, ऊपर से ये पेट्रोल वाली आफत नहीं। चलो 150 तक ठीक था, 150-250 यहाँ तक तो फिर भी चलो वो भी महंगा था लेकिन समहाउ मैनेजेबल था, लेकिन अभी ये जो 300, 330, 331 ये तो कोई नेक्स्ट लेवल की गेम है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, अगर आपने नोटिस किया हो तो सिर्फ एक सियासी जमात इसकी मुखालफत कर रही है या इसकी मजम्मत कर रही है या मुतालबा कर रही है कि ये इजाफा वापस लिया जाए, दैट इज़ तहरीक इंसाफ। वो उनके ट्विटर अकाउंट उठा के देख लें या उनके रहनुमाओं के कुछ बयान देख लें, वैसे तो वो टीवी पे आ नहीं सकते, उनका नैरेटिव इतना चलता नहीं है, बट स्टिल वो कहीं ना कहीं आवाम की आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो ज़ोरों शोर से ये कह रहे हैं कि ये ज़ालिमाना इजाफा, इसे वापस लिया जाए या इस पर कमी की जाए, वॉट एवर जो भी है, डिमांड पीटीआई की है। बाकी जमातों की तरफ से उस तरह से आवाज़ नहीं आ रही। अभी मैंने देखा पीपल्स पार्टी को फैसल करीम कुंडी आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आगाज़ में उन्होंने कहा कि जी ये पेट्रोल की कीमत बढ़ी है जी, ये आवाम के ऊपर जुल्म है, और फिर उन्होंने अगले सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो नून लीग के ऊपर तनकीद में और बाकी सारा जो भी उनका जिस काम के लिए वो आए थे वो की, एक लाइन उन्होंने बोली है आवाम के रिलीफ के लिए। और इसी तरह सिराजुल हक की मैंने एक स्टेटमेंट देखी है, उसके अलावा जो सबसे बड़ी सियासी जमात है मुस्लिम लीग नून, उनकी तरफ से आपको प्रॉम्प्ट रिएक्शन या उस तरह का नहीं नज़र आया। हालांकि हुकूमत तो निगरानों की है, निगरान हुकूमत है, आप चाहें तो कर सकते हैं तनकीद, आप कह सकते हैं कि जनाब ये इजाफा ज़ालिमाना है, वापस लिया जाए। जब दूसरी हुकूमतें होती थी तो कैसे मरियम नवाज़ के ट्वीट आया करते थे, अब इसलिए नहीं हो रही कि इस हुकूमत में भी अपने लोग बैठे हैं, तो निगरानों की, लेकिन इसमें भी अपने लोग काबीना में फिट कराए हुए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये लोग ये समझ बैठे हैं कि शायद हम ही जिम्मेदार हैं इस हालिया महंगाई के या इस हालिया इजाफे के। और चलो ये तो हो गए ना सियासतदान, इनकी तो मजबूरियाँ हैं, इनके तो 100 मसले मसाइल हैं, फिर आते हैं एंकर क्लास, सहाफ़ी तबका, वो क्यों नहीं आवाज़ उठा रहा? कुछ कुछ हैं जो उठाते हैं, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, आपको भी कहूँगा जो आवाज़ उठाते हैं आपके लिए उनको अप्रिशिएट करें, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो एक तो बड़ी मजबूरी से या बड़े वो क्या कहते हैं कि टाइम ले के हल्की फुल्की सी होम्योपैथिक सी आवाज़ उठाएंगे, और कुछ ऐसे हैं बड़े नेक्स्ट लेवल के, चलें वो लफ्ज़ नहीं मैं अभी बोलता, लेकिन वो कुछ बोलते ही नहीं हैं, हैं, और शायद बेशर्मी से नहीं बोलते कि हम पहले 2-3 रुपए के इजाफे के ऊपर तो पूरा आसमान सर पे उठा लेते थे, अब 25-30 रुपए का इजाफा हुआ इसके ऊपर अब क्या कह सकते हैं। तो वो अब जो उनके वो 2-3 रुपए के ऊपर किए हुए ट्वीट्स हैं या उस पर जो उनकी तनकीद है वो उनके गले की हड्डी बनी हुई है, अब वो चाह के भी आवाज़ नहीं उठा पा रहे, तो ये तो एक रीज़न तो होगी ना कि बेशर्मी की वजह से आवाज़ नहीं उठाते। फिर एक और रीज़न भी है, हाई फाई चैनल्स में काम करते हैं, बड़ी बड़ी तनख्वाहें, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, उसकी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मैं भी इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ तो मुझे अंदाज़ा है कि किस लेवल के पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक फ्यूल कार्ड है, ये सबको मिलता है, तकरीबन हर एंकर के पास होगा, हर उस शख्स के पास होगा जो किसी अच्छे चैनल में अच्छी पोजीशन पे काम कर रहा है और जो आपको टॉक शो में बैठ के लेक्चर वेक्चर दे के निकल जाते हैं ना, ये सबके पास है। मैं चूंकि इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सबके पास होता है। इसमें क्या है कि ये आपके पर्क्स प्रिविलेजेस का हिस्सा है, आपकी सैलरी से हट के आपको कुछ जो बेनिफिट्स मिलते हैं ये वो है, मुझे भी मिला हुआ है, मैं एडमिट करता हूँ। तो इसके थ्रू क्या होता है कि आपको जो है वो मिनिमम, मैं चलो अपने से हट के जो एंकर्स क्लास है उनका मैं आपको बता देता हूँ कि मिनिमम एंकर्स को 200 से 300 लीटर पर मंथ तो कहीं गया ही नहीं ना, 200 से 300 लीटर पर मंथ ये कहीं नहीं गया। और अगर कोई अच्छा एंकर है, अच्छी क्लास का है, जो टॉप नॉच के एंकर हैं जिनको आप सुनते देखते हैं, इनके पास तकरीबन 500 लीटर पर मंथ तक का ये फ्यूल कार्ड रहेगा जो ये यूज़ करते होंगे, कहीं पे भी जाना है जाएं, फ्यूल डलवाना है डलवाएं, तो इनको अपनी जेब से उस तरह से पे नहीं करना पड़ता फ्यूल। ठीक है, मेरे पास भी है, मुझे भी ऐसे ही सहूलत मिली हुई है, मैं इसका इनकार नहीं करता, मेरे पास थोड़ा जो लिमिट है वो थोड़ी कम है, डाउन है, लेकिन
इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के लिए आवाज़ उठाना बंद कर दें, या अगर आपको कोई चीज़ एक फैसिलिटी मिली है दैट मीन्स कि आप रिलैक्स होकर बैठ जाओ और कह के जी मुझे तो फैसिलिटी मिली है तो मैं, मेरा तो कुछ नहीं है तो बाकियों के लिए आप आवाज़ ना उठाएं, तो ये अनफेयर है। ख़ास तौर पर जब आप दिन रात भाषण देते हैं, जब आप दिन रात एक राग अलापते हैं, तो आपको उस मौके पर आवाज़ उठानी चाहिए जब बनती है, बाद में कोई सीन नहीं है। तो इसलिए ये सारे लोग भी अभी चुप करके बैठे हुए हैं। और वैसे भी मैं कहता हूँ कि ठेका सिर्फ एक सियासी जमात ने या किसी एक सियासी लीडर ने नहीं लिया था, ये कलेक्टिव एफर्ट थी और सबको अपनी अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। ये चंद लोगों की नाअहली या गलत फैसले, उनका खुमियाजा पूरी कौम भुगते, ये दुरुस्त काम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको स्टार्ट में बताया चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो खसूसी अदालत थी उन्होंने तो मुस्तरद कर दी इमरान खान की ज़मानत और ये तक कह दिया कि नाकाबले ज़मानत जुर्म का इरतकाब किया है और इनके जो रिकॉर्ड है वो ऐसा है या सबूत ऐसे हैं या वट एवर जो भी है, तो उन्होंने ज़मानत मुस्तरद कर दी थी। अब उससे अगला फोरम जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। तो उनके वकला जो है वो कुछ दिनों से दरख्वास्त की तैयारी के ऊपर काम कर रहे थे, तो आज ये दरख्वास्त जो है या बेल एप्लीकेशन वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है और उनसे ये मुतालबा किया गया है कि अदालत खसूसी अदालत का जो फैसला है उसको कालादम करार दे या ज़मानत के हवाले से जो ऑब्जर्वेशन खसूसी अदालत की हैं उनको कालादम करार देते हुए इमरान खान साहब की ज़मानत मंजूर करे। तो अब से कुछ देर पहले की अपडेट ये है कि इस दरख्वास्त के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बेंच तश्कील दे दिया है और पीर के रोज़ अब इस केस की समाअत होने जा रही है। बट द थिंग इज़ दिस कि जिस तरह से परवेज़ इलाही 12वीं दफ़ा गिरफ़्तार हुए हैं, तो इमरान खान के ऊपर तो 180 मुकदमात हैं, तो क्या उनके लिए आसान होगा कि वो एक मुकदमे से निकल के रिहा हो जाएं दूसरे मुकदमे में गिरफ़्तार हुए बगैर? तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज क्वेश्चन मार्क है। सिचुएशन आपके सामने अंडरस्टैंड करने में कुछ ज़्यादा इशू नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सिलसिला कहीं पर रुकना चाहिए। परवेज़ इलाही साहब जिस तरह से अभी गिरफ़्तार हुए, राहदारी रिमांड मिल गया कि जनाब यहाँ से ले जाएँ और लाहौर में एंटी करप्शन, हालाँकि लाहौर हाई कोर्ट का एक डिसीजन है कि कोई अथॉरिटी गिरफ़्तार नहीं करेगी, तो पंजाब से आने वाली एंटी करप्शन जो है वो भी एक अथॉरिटी है, वो किस तरह से लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को वायलेट करके उनको गिरफ़्तार कर सकती है? मैं तो बिल्कुल ही समझने से कासिर हूँ कि क्यों अदालतों के अहकाम को इतने धड़ल्ले से वायलेट किया जा रहा है। और फिर इसके ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट को कोई एक्शन लेना होगा। बंदयाल साहब तो आखिरी दिनों में इस पोजिशन में ही नहीं थे कि वो ले सकते कोई ऑर्डर या कोई सख्त कोई फैसला कर सकते या सख्त ऑर्डर कोई पास कर सकते, तो अब काजी फैज ईसा साहब कल से चार्ज संभालने जा रहे हैं, तो उनके लिए जो सबसे बुनियादी चीज़ या सबसे अहम एक चैलेंज होगा वो ये होगा कि वो कानून की हुक्मरानी को कम अज़ कम बहाल करा सकें। वो जिस तरह से कंप्रोमाइज़ हुई है उसको वो रिस्टोर अगर कर दें तो ये उनका बड़ा एक एहसान होगा पाकिस्तानी आवाम पे। और मैंने जैसे आपको बताया था कि अभी तो ये पेट्रोल प्राइसेस वाला सिलसिला रुकना नहीं है, अभी तो डू मोर होने वाला है। तो बुरी खबर आपके लिए है, मैंने सोचा था आखिर में बताऊंगा, अभी नहीं बताता। पहली बीपी आपका हाई हुआ है पेट्रोल प्राइसेस है, तो बुरी खबर ये है कि 45% तक गैस की कीमतों में इजाफ़ा करने के लिए IMF ने पाकिस्तान को कह दिया है, यानी डू मोर का मुतालबा किया गया है IMF की तरफ से, और ये कहा है कि 45% तक गैस की कीमतों में भी इजाफ़ा करें। अब उसमें कितने अरब रुपए आपकी जेबों से निकालने का प्लान बनेगा वो मैं बाद में बताऊंगा आपको, अभी सारा कुछ एक ही दम नहीं बताता क्योंकि बड़ी आगे टेंशन है। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है पाकिस्तान के लोगों के लिए, जो हर आने वाला दिन है वो पहले से मुश्किल होता जा रहा है। जो टाइम गुजर रहा है ऐसा लग रहा है कि यही बेस्ट था, यही अच्छा था। बाकी कंट्रीज़ भी हैं, हमारे हमसाया मुल्क हैं, उनमें ये प्रॉब्लम्स इस तरह से नहीं है कि कॉन्स्टेंट एक नेशन इस स्टेट ऑफ माइंड में रह गए यार ये क्या हो रहा है, यार ये क्यों हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं तो कोई सुकून होना चाहिए, कहीं तो जाके कोई रिलैक्स होके अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके अपने दिनों को एंजॉय कर सके। लेकिन आजकल जितनी फ्रस्ट्रेशन बढ़ चुकी है, फैमिलीज़ में क्या एनवायरनमेंट होगा, लोगों के घरों में क्या इस वक्त हालात होंगे, महंगाई की वजह से जो लोग परेशान हैं, अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। तो मेरी तो इस वक्त ये दुआ है कि अल्लाह ताला सफ़ेद पोश लोगों का भरम ख़ास तौर पर रखे और उनके लिए गैबी मदद अता फरमाए। आमीन। वैसे तो सबका ही भला और पाकिस्तान की खैर हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।